नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जितेंद्र राजपूत फिट क्लब। आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक, जैसे आपने थंबनेल देखा कि आपको सप्लीमेंट्स में कभी गैप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे आप सालों साल वर्कआउट करते रहते हैं रेगुलर, ऐसे ही सालों साल आप सप्लीमेंट भी यूज़ करते रहते हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो अमीनो हो, वे प्रोटीन हो, ग्लूटामाइन हो, कितने सारे सप्लीमेंट्स आप यूज़ करते हैं नॉन स्टॉप। कभी आप सोचते इस बारे में कि इसमें गैप डालें या ना डालें, कि आप इतने टाइम से कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, हमारे तो रिजल्ट्स भी आने बंद हो गए हैं, क्या किया जाए। तो दोस्तों, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मेरे को ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप लोगों को इन एवरी 3 मंथ, चाहे वो कोई भी हो, यार वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो या कोई एस्थेटिक मॉडल हो, फिटनेस मॉडल हो, या वो कोई जनरल वर्कआउट करने वाला हो, जो भी सप्लीमेंट्स यूज़ करता है, आई वुड पर्सनली एडवाइज देम कि इन एवरी 3 मंथ के बाद जो 1 वीक होता है उसमें आप 1 वीक का कंप्लीट गैप दे दें। सारे सप्लीमेंट्स में, सारी टैबलेट, कुछ टैबलेट नहीं लेना आपको, कोई वाइटामिन नहीं, कोई मिनरल्स नहीं, कुछ भी नहीं लेना है, ना भी प्रोटीन। आप वर्कआउट करना है करते ही आपको लगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपका मसल लॉस हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी को एक रिलैक्स मिलता है, इनफैक्ट आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उनको थोड़ा सा स्मूथ रिलैक्स मिलता है कि अब फिर से उनको उतना काम नहीं करना पड़ेगा। सारे सप्लीमेंट को फिर से डाइजेस्ट करने में कितना प्रेशर आता है आपकी बॉडी पे, ये शायद आप लोगों को नहीं पता। अगर आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे इस बारे में तो आपको पता चलेगा। मेरी रिसेंटली किसी कोई मेरे फ्रेंड है, डॉक्टर हैं वो, उनसे मेरी बात हुई थी इस बारे में, उन्होंने बताया कि लीवर को कितना काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा जब आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, आपकी किडनी को कितना काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा जब आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं या मिनरल्स या विटामिंस यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग 3 महीने के बाद 1 वीक का अगर गैप डालते हैं सप्लीमेंट्स में, तो वो आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके जो रिजल्ट्स आने बंद हो गए हैं या जो आप फील करते हैं कि आप सेम सप्लीमेंट यूज़ करते जा रहे हैं, या सप्लीमेंट्स भी चेंज कर लेते हैं इमीडिएटली आफ्टर, कोई गैप नहीं आ रहा उनके बीच में, बट आप सप्लीमेंट चेंज कर लेते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो बट आप थोड़ा सोचो इस बारे में, वो सप्लीमेंट चेंज करने से भी रिजल्ट नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी उसका यूज टू हो चुकी है सप्लीमेंट्स का, उसको ब्रेक चाहिए। अब ब्रेक आने के बाद जब आप दोबारा से उसको यूज़ करेंगे सप्लीमेंट को अपने सारे, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपका प्री वर्कआउट आप यूज़ करते हैं 30 सर्विंग, उसमें 30 डेज आपने यूज़ किया, फिनिश हो गया, और बाई चांस वो अवेलेबल नहीं है 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए, और आपने उसको छोड़ दिया 10 डेज के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा वर्कआउट करने का मन ही नहीं होगा, या नहीं होएगा मेरे से वर्कआउट, अब या उतना पंप नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सेम चीज़ है ना, देखो आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा यूज हो गई है उन चीज़ों की। इससे बेटर ये है कि आप खुद ही अपने लिए, अपनी इंटरनल हेल्थ के लिए 1 वीक का गैप दे दीजिए बस। मैं कुछ उसमें ज़्यादा आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, इनफैक्ट सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, डायट सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, मिनरल्स, आपका वे प्रोटीन, आप सारे सप्लीमेंट्स यूज़ कीजिए, आपको कोई हार्म नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, इतने साल हो गए हैं मेरे को, 20 साल से ज़्यादा हो गए वर्कआउट करते हुए रेगुलर, मैं रेगुलर सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ, लेकिन हाँ, आई ऑलवेज एड ए गैप, मैं गैप कर देता हूँ हमेशा, हर 2 महीने में मैं गैप डालता हूँ 1 वीक के लिए। आपको बोल रहा हूँ मैं, आप 3 महीने में 1 वीक का गैप डालिए कम से कम, 2 महीने के बाद डाल सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। अब आपको लगेगा सर उन दिनों के हमें लगेगा फिर हमारा मसल लॉस हो रहा है या फिर नई एनर्जी उतनी नहीं है, तो दोस्तों ऐसा नहीं, आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो ना। आपको लगता है आपकी डाइट में प्रोटीन कम है, आप नॉनवेज खाते हैं, तो आपने थोड़ा एग बढ़ा लो या थोड़ा चिकन बढ़ा लो या और किसी चीज़ से, आपको जो प्रोटीन नेचुरली आपके सोर्सेज हैं, सोयाबीन है, मूंग दाल है, नट्स हैं, मिल्क हैं, नेचुरल फूड से ले लो वो चीज़ें एक्स्ट्रा। प्री वर्कआउट की जगह कैफीन पी लो थोड़े दिन के लिए, कॉफ़ी पी सकते हैं आप, लस्सी पीजिए, जूस पीजिए, फ्रेश फ्रूट खाइए खूब ज़्यादा, ताकि आपका इंटरनल थोड़ा क्लींस आउट हो जाए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया है कि आपको गैप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। गैप देने के मैंने फ़ायदे आपको बता दिए हैं कि आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, आपके रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं, और जब आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो बॉडी को एक नयापन लगता है सप्लीमेंट यूज़ करने से, और आपको एकदम से फ्रेश वाली फील आती है, और आपको एकदम से रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी इंटरनल मशीनरी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, तो
ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है टू ऐड ए गैप इन ऑल योर सप्लीमेंट्स। दोस्तों ट्रस्ट मी, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। आप वैसे भी तो कितना वेट करते हैं कभी आपका सप्लीमेंट्स कूरियर से ना आ पाए या कोई सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं होता है, तब भी तो आप गैप डालते हैं ना, डालते हैं ना गैप आप। फिर तो छोटी सी बात है दोस्तों यार, ये इतना नहीं सोचना इसके बारे में। वर्कआउट आप रेगुलर कीजिए, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बिना सप्लीमेंट्स के तो मेरे से वर्कआउट हो गई नहीं, तो उस एक वीक में आप 6 डेज की जगह 3 डेज वर्कआउट कर लीजिए। एक दिन ऑफ एक दिन वर्कआउट, एक दिन ऑफ एक दिन वर्कआउट, तो आपको लगेगा कि सिर्फ 3 ही दिन वर्कआउट किया, बाकी 3 दिन रेस्ट किया, फिर अगले हफ्ते से स्टार्ट है आपके सारे सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे इस टॉपिक से या अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उस कमेंट में उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हैं किसी को बताना कि यार उनको भी पता चलनी चाहिए बात, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ। तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।